हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं बीकॉम डेवलपर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज आप सीखने वाले हैं कैसे आप अपनी वेबसाइट में ऑनलाइन चैट की ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट को खुलेंगे तो नीचे चैट का ऑप्शन दिखाई देते हैं, इसको कैसे आप ऐड कर सकते हो इसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, ऑनलाइन चैट का ऑप्शन आपके वेबसाइट में ऐड करने के लिए आपको पहले वर्डप्रेस की डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा। देख सकते हैं, ये मेरा वेबसाइट है, मैंने इसको क्रिएट करा हो। तो इस पे पहले आप डैशबोर्ड पे जाइए, एक प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्लगइन सेक्शन पे यहाँ पे जाइए, उसके बाद इस पे क्रिएट न्यू प्लगइन जो है इसको क्लिक करिए। जो देख सकते हैं प्लगइन का ऑप्शन, इस पे ऐड न्यू पे क्लिक करिए तो आप इस पेज में आ जाइए। आने के बाद इस पे आप टाइप करिए क्रिस्प लाइव चैट। फिर से दिखाता हूँ, क्रिस्प लाइव चैट देख सकते हैं, इसको आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद ये जो प्लगइन फास्ट आ गया है इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करिए, वो इंस्टॉल होने वाला है, देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इंस्टॉल हो गया है, उसके बाद एक्टिवेट पे क्लिक करिए। बस ये प्लगइन आपके वेबसाइट में एक्टिवेट हो गया है, इसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट विथ क्रिप्स, इस पे क्लिक करिए। इसको पहले आपको सेटअप करना पड़ेगा, सेटअप करना बहुत इजी है, आप जस्ट इस पे क्लिक करिए तो ये खुल रहा है, देख सकते हैं। इस पे आपका पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, तो पहले मैं रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। आपका ईमेल आईडी पहले दे दीजिए। रजिस्ट्रेशन, उसके बाद इस पे आपका जो भी पासवर्ड आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए। उसके बाद नीचे आपका जो नाम है, फर्स्ट नेम पहले दे दीजिए, मैं मेरा नाम दे देता हूँ। बस उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिए, फिर से चेक करके करिए। उसके बाद आपका वेबसाइट का डोमेन का नाम देना पड़ेगा। आपका वेबसाइट पहले आप ये जो ऊपर में है विजिट साइट पे क्लिक करिए, उसके बाद आपके वेबसाइट में आप आ जाइए। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद इस पे आपको पेस्ट करना है, पेस्ट कर दीजिए। और वेबसाइट का नाम आप जो भी आपका वेबसाइट का नाम है आप दे दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिए। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा मेरा वेबसाइट। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपके पास चैट का आइकॉन आ जाएगा, देख सकते हैं चैट का आइकॉन ऑटोमेटिकली आ गया है। इस पे आप क्लिक करेंगे और आप क्वेश्चन करेंगे तो इस पे आंसर भी दे पाएंगे। तो सोचिए, आपका कोई भी विजिटर इस पे क्वेश्चन कर रहा है, जैसे कि हाय, जैसे कि गुड मॉर्निंग, उसके बाद इस पे क्लिक करिए और सेंड हो जाएगा। और आपके पास जो भी क्वेश्चन उन्होंने डाला है तो वो चीज़ आपको ये जो क्रिस्प सेटिंग है, क्रिस्प इस पे आ जाएगा। तो आपको गो टू माई डैशबोर्ड पे आना पड़ेगा। उन्होंने जो भी क्वेरी डाले हैं आपको इस इनबॉक्स पे मिल जाएगा।
वो चीज़ देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम दिखा रहा है, गुड मॉर्निंग दिखा रहा है। ये कहाँ से है? इंडिया से है, तो इंडिया कंट्री भी सिलेक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं इसको, आप इसका लोकेशन भी आप देख सकते हैं, देख सकते हैं इसका लोकेशन दिखा रहा है। मैप पे कुछ देर बाद आ जाएगा, ये आ गया है। इस पे देख सकते हैं इंडिया का है, और इस पे आप क्लिक करेंगे तो पार्टिकुलर लोकेशन दिखाएगा। तो मेरा देख सकते हैं कोलकाता दिखा रहा है, कोटक दिखा रहा है, पर मैं लोकेशन नहीं ऑन करके रखा हूँ इसलिए सही पोजीशन नहीं दिखा रहा है। तो आप इसको ट्राई करिए, देख पाएंगे। तो इस तरह से कोई भी विजिटर आपके पास क्वेश्चन करेगा तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ऐसी तरह वेबसाइट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गुड बाय एंड टेक केयर।